हाय गाइस, आप लोग बहुत हैवी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नेक बैंड के ऊपर भी वीडियो बनाओ। तो जितने भी 2000 के नीचे पॉपुलर नेक बैंड थे मैंने सारे खरीदे, टोटल 10 है। इनको टेस्ट करके सारी बातें मैं डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले बता देता हूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार, और ये जो सीरीज है इनको मैं वर्स्ट टू बेस्ट बोलता हूं। और मैं सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, चाहे TWS हो, ब्लूटूथ स्पीकर ही क्यों ना हो, छोटे छोटे प्रोडक्ट के ऊपर मैं ये वीडियोस बनाता रहता हूं। आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल। तो मैं इनको टेस्ट करके आता हूं, फिर सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस, टेस्ट करने के बाद मैंने रैंकिंग क्रिएट कर दी है, और ये रैंकिंग मैंने क्रिएट करी है ऑन द बेसिस ऑफ साउंड क्वालिटी। मुझे ऐसा लगता है कि साउंड क्वालिटी सबसे मेन होते हैं, फिर हाँ ड्यूरेबिलिटी भी इसके अंदर पार्ट है, और मैंने सब कुछ टेस्ट किया है तब ये रैंकिंग क्रिएट की है। तो नंबर 10 पे आते हैं नोकिया T2000, जो कि 2000 रुपए के आते हैं। जिस प्राइस सेगमेंट पे आ रहे गाइस, ये साउंड सिग्नेचर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, बिल्कुल बेस भी अजीब सा है, ट्रेबल भी, मिड्स भी, कुछ भी ढंग से मैनेज नहीं कर पाता ये। और मैं तो शौक था कि नोकिया नेक बैंड भी बना रहा है, तो इसलिए पे रखा है, अच्छे नहीं। अब नंबर 9 की बात करते हैं, 1800 रुपए के आते हैं ये MI नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स प्रो। काफी डिफिकल्ट नाम है यार ये, और उतना ही डिफिकल्ट इनका साउंड सिग्नेचर है, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई काफी हद तक इंप्रूवमेंट हमें मिल सकती थी, खासकर बेस बड़ा अजीब सा है, मेरे को तो वोकल्स भी इतने अच्छे नहीं लगे है। मेरे को थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी यार, Xiaomi अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है, बट ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। पता है Xiaomi से सबकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो लेकर आएगा, और यहां पर ANC है, पूरी लिस्ट में कोई भी ANC नहीं दे रहा है इनके अलावा Xiaomi के। और जब मैंने इनका ANC टेस्ट करा यार, वो वर्क ही नहीं करता मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल ऐसा फीचर है कि ना भी हो तो चलेगा, तो इसलिए नंबर 9 नॉट रिकमेंडेड। और नंबर 8 पे ना बहुत अच्छा ब्रांड है यार ये Sennheiser, लाइक अपने ऑडियो प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। इस नेक बैंड का नाम है CX150BT वायरलेस, और ये जो है 1500 रुपए के आते हैं। सबसे अजीब बात, इनमें मैग्नेटिक ईयरबड्स नहीं है, आपस में ये नहीं होल्ड करते, और प्लस आप एक बार यार की क्वालिटी देख रहे हो इसकी, सिर्फ तार है। मुझे जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं है, और जब मैंने इनको सुनकर देखा ना, जो कि मेन चीज होती है ऑब्वियसली, तो मैं साउंड सिग्नेचर बिल्कुल फ्लैट बताना चाहूंगा। ना इसके अंदर बेस है, ना इसके वोकल्स इतने लाइक मसालेदार है, मेरे हिसाब से मासेस के लिए बने ही नहीं है। नंबर 7 पे भी जो है बिल्कुल सिमिलर सी है, ये देखो ये ऑडियो टेक्निका की तरफ से आते हैं। इनका नाम है ATH CLR 100 BT, और ये जो है 2000 रुपए के आते हैं, और पूरी वायर है ये। देखो नेक बैंड का मतलब है ना कुछ ऐसा होता है कि जब वो पीछे वाली साइड पर टच हो तो थोड़ा सपोर्ट हो, ऐसी नॉर्मल वायर है ना परेशान करती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जस्ट वायर है ये, इसलिए Sennheiser को भी मैंने बुरा बताया था। तो मैं बोलूंगा कि ये भी नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि साउंड सिग्नेचर ये मुझे कुछ एज सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, छोड़ो बिल्कुल बिलो एवरेज लगा है। और हाँ यार, याद आया, इसमें माइक्रोवेव भी पोर्ट है, और सिर्फ 7 घंटे का प्लेबैक टाइम है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों निकाले है। तो ये जो मैंने आपको 4 नेक बैंड दिखाए हैं, अगर आपने खरीदे हुए हैं तो सॉरी टू से, ये एक बैड परचेज में से एक था। जैसे कि इनकी बात करते हैं, बोट की तरफ से आते हैं, नंबर 6 पे है रॉकर्स 330 प्रो, 1700 रुपए के ये मिलते हैं। और जब मैंने इनको टेस्ट करा ना, मैंने फील किया कि इसमें बेस जरूरत से ज्यादा हैवी है। ऑब्वियसली ये इस तरीके से ट्यून करे गए है कि जिनको बेस पसंद है वो इनको खरीदेंगे, लेकिन इसके चक्कर में ना मैंने फील किया कि अगर आप कोई वीडियो भी देखने जाते हो ना, तो वो भी अजीब साउंड करती है। मैं 4-5 गाने सुन रहा था इसके अंदर, और सब में जो है वोकल इतने ज्यादा डिफरेंट थे कि जो मेरा पर्सनल फेवरेट सिंगर था मैं बता भी नहीं पा रहा था कि ये उसकी आवाज है। ये इस तरीके से चीजों को इतना मॉड्यूलेट सा कर देता है कि मुझे पर्सनली काफी लाइक मैनिपुलेटिव से लगे, तो इसलिए मैंने इनको इतना नीचे रखा है। इस नेक बैंड में कुछ अच्छी चीजें है, जैसे कि ब्रांड जो है 60 घंटे का प्लेबैक टाइम कमिट करता है, बहुत बड़ी बात है यार ये। प्लस इसमें IPX5 रेटिंग भी है, थोड़ी बहुत स्वेट भी झेल जाएगा। इन शॉर्ट बोट ने कुछ बनाने की तो कोशिश की थी अच्छा, बट वो साउंड अच्छा नहीं कर रहा, तो मुझे वो इतना सेंसिबल नहीं लगा। और अब बात करते हैं टॉप 5 नेक बैंड की, और यहां से मैं सब कुछ आपको रिकमेंड कर सकता हूं। ये देखो, ये JBL की तरफ से आते हैं, Tune 125 BT का नाम है। प्राइस थोड़ा सा हायर साइड है, 2000 रुपए का है, लेकिन जिसको भी एक फ्लैट साउंड सिग्नेचर चाहिए, जो भी ऑडियो फाइल्स है कि जिनको पसंद नहीं कि ज्यादा बेस कर दिया, मिड्स को हाई या लो कर दिया, तो भाई मेरे हिसाब से बहुत बैलेंस साउंड करते हैं और काफी अप्रिशिएट करोगे आप। पता नंबर 5 पे क्यों है, क्योंकि बोलने के लिए इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी हल्की है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना कि नेक बैंड थोड़े से तो टाइट होने चाहिए बैक वाली साइड से, ये थोड़ी सी मोटी वायर है, फिर भी मैं इसको ड्यूरेबल बोल सकता हूं। और ब्रांड क्लेम करता है 16 घंटे का प्लेबैक और 15 मिनट की चार्ज पे 1 घंटा ही चल सकता है, लाइक ओके से स्टैंडर्ड सही। तो अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिसको ज्यादा बेस नहीं पसंद, या फिर ज्यादा ट्रेबल नहीं पसंद, मसालेदार साउंड सिग्नेचर नहीं चाहिए जो कि ओवर प्रोसेस लगता है, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है, मैं तो इनको रिकमेंड जरूर करूंगा। नंबर 4 पे आते हैं बोट की तरफ से रॉकर्स 333 प्रो, 1800 रुपए के मैंने खरीदे।
सबसे बड़ी बात इसकी ड्यूरेबिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। ब्रेडेड वायर दिए इन्होंने यार, काफी अप्रिशिएट करने वाली चीज है। IPX5 रेटिंग भी है तो थोड़ी बहुत स्वेट भी झेल जाएगा। और मैं आपको बता सकता हूँ कि एक सॉलिड नेकबैंड में से एक लगता है। अगर मैं साउंड सिग्नेचर की बात करूं तो काफी ज्यादा इसका बेस भी हाई है, ऊपर से इसकी लाउडनेस इतनी ज्यादा है कि लाइक मेरे तो कानों में चुभ रही थी, मेरे को वॉल्यूम डाउन करनी पड़ी। तो इन शॉर्ट, अगर आप बहुत ज्यादा जिम करते हो और उसके लिए कोई नेकबैंड देख रहे हो तो ये एक अच्छी चॉइस है। इसकी सिलिकॉन टिप्स के साथ पूरा सपोर्ट भी मिलता है जो कि कानों में बहुत हेल्प करता है। अगर आप लाइक जंप वगैरह कर रहे हो तो कानों से निकलेंगे नहीं। इनफैक्ट इसके फीचर्स भी अच्छे हैं। 60 घंटे का प्लेबैक क्लेम करता है बोट, बहुत बड़ा नंबर है ये। ब्लूटूथ 5.2 भी इसके अंदर, जो कि लेटेस्ट मान लो यार, और साथ में टाइप सी पोर्ट भी है। और अगर वॉइस असिस्टेंट आपको यूज करना है तो वो भी पॉसिबल है इसके साथ। तो अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो कि लाइक वर्कआउट करते हैं, बाहर जाके रन करना पसंद करते हैं, जिसको बेस बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये खरीद सकते हो आप। मेरे को तो बहुत अच्छे लगे यार। नंबर 3 पे आते हैं नॉइस की तरफ से। इनका नाम है नॉइस क्लियर। 1800 रुपए के मैंने खरीदे हैं। मैंने ये ग्रीन कलर में खरीदे थे और मेरे हिसाब से काफी अच्छे दिखते हैं। लुक्स इनकी बहुत अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा कमाल की है। और ये जो नेक बैंड के लिए सपोर्ट है काफी ड्यूरेबल लग रहा है। इनफैक्ट इनके सिलिकॉन टिप्स में ये ईयर सपोर्ट भी है तो कानों से गिरेंगे भी नहीं है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि इनके अंदर जेस्चर सपोर्ट मिलता है, जो कि थोड़ा सा एडवांस फीचर है, बाकी किसी में नहीं है। सिंगल टैप अगर आप करोगे तो प्ले पॉज होगा, डबल टैप करने में आप ट्रैक चेंज कर सकते हो, और ट्रिपल टैप करोगे तो प्रीवियस ट्रैक भी जा सकते हो। और अगर आपको कोई वॉइस असिस्टेंट ट्रिगर करना है तो आप प्रेस एंड होल्ड कर सकते हो, तो ये जेस्चर्स काफी हेल्प करते हैं। अगर मैं साउंड की भी बात करता हूं ना, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे साउंड करते हैं। बीच में मुझे हल्का सा महसूस हुआ कि कुछ कुछ गानों में मफल सी होती है साउंड, लेकिन भाई मैं थोड़ी सी नेट पिकिंग करके बता रहा हूं क्योंकि टॉप 3 की बात है ना। बट वैसे साउंड ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि बेस भी बहुत अच्छे अमाउंट का डाला हुआ है, ट्रेबल भी ठीक है, मिड्स भी ठीक है, भाई ऊपर से फीचर लोडेड तो देखो है। और मैंने नोटिस किया था जो इसकी मैग्नेट है ना ये वाली, बहुत अच्छी है यार, काफी अच्छा फीडबैक देती है। और हाँ, इसमें वो फीचर है कि अगर आप ऐसे मैग्नेट पे करोगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब और ऐसे करोगे तो कनेक्ट हो जाएंगे। वैसे इसके अंदर ब्लूटूथ 5.0 है, लेकिन इसमें जो है ना IPX5 रेटिंग दे रखी है तो स्वेट रेसिस्टेंट है। और ब्रांड क्लेम करता है 35 आवर्स का प्लेबैक टाइम, जो कि लाइक एक रिस्पेक्टेबल नंबर है। और ब्रांड तो इतना ही बोलता है कि अगर आपने 8 मिनट इसको चार्ज करा तो 8 घंटे ये चल जाएंगे। और अगर आपने ये वियर कर रखे है ना तो वाइब्रेट भी करते हैं बताने के लिए कि कॉल आई है। इन शॉर्ट ये बहुत ज्यादा फीचर्स दे रहा है, तो रिकमेंडेड चीज है भाई। और साउंड सिग्नेचर भी कोई बुरा नहीं बोल सकता इसका, अच्छा है। अब नंबर 2 पे जो है OnePlus की तरफ से आते हैं, ये मैंने ब्लू कलर में खरीदे हैं। इनका नाम है बुलेट वायरलेस Z2 और इनको मैंने 2000 रुपए का खरीदा है। नो डाउट जो ये ब्लू कलर है बहुत ज्यादा स्पोर्टी लग रहा है, मुझे पर्सनली काफी पसंद आया है। और अगर आप इसके डिजाइन भी देखते हो ना, बहुत ड्यूरेबल में से एक है। और इनका जो कंफर्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है गाइस, काफी लाइक प्रीमियम फील होता है। और जो इसके बटन है ना, वो बाहर की साइड देखने में मिलते हैं तो वो बड़ी इजी टू एक्सेस हो जाते हैं। और हाँ भाई, इस नेकबैंड में भी फीचर है कि अगर आप ऐसे करते हो तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ऐसे करोगे तो कनेक्ट। और ब्रांड बोलता है अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज करोगे ना तो 20 घंटे चलेंगे। और वैसे जो टोटल बैटरी बैकअप वो 30 आवर्स का है, तो भाई ये नंबर भी ठीक है। और इसमें जो है IP55 रेटिंग मिलती है, जो कि अच्छी है भाई, स्वेट वगैरह में आपको दिक्कत भी नहीं होगी। और ये जो है AAC और SBC को सपोर्ट करता है, और इसके अंदर टाइप सी पोर्ट भी और ब्लूटूथ 5.0 है। और अगर मैं पूरी लिस्ट की बात करूं ना, तो सबसे बड़े ड्राइवर्स जो है इसी नेकबैंड में मिलते हैं 12.4 mm के। पर्सनली मैं ड्राइवर साइज देख के ईयरफोन्स नहीं खरीदता, मुझे ऐसा लगता है कि साउंड सिग्नेचर ज्यादा मैटर करता है, बट स्टिल ये एक अच्छी चीज है। लेकिन मैं साउंड सिग्नेचर की बात करूं तो गाइस सुपर डुपर इंप्रेसिव है। जो इनका बेस है ना, अमेजिंग लेवल पे जाता है, काफी हायर साइड है बेस। अगर आपको बेस ज्यादा पसंद है तो आप इनको 100% खरीदना, बट ट्रस्ट मी जो बाकी भी क्राइटेरियाज है ना, चाहे वो मेड हो ट्रेबल हो, बहुत सही तरीके से प्रोसेस करता है। मैंने इसके अंदर मल्टीपल सॉन्ग सुने और सब में भाई मैं सेटिस्फाइड था। इन शॉर्ट जो है लाउड एंड क्लियर नेक बैंड है। अगर आपको बेस भी पसंद है लाउड एंड क्लियर के साथ, भाई ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। मुझे तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगे थे। नंबर 1 की बात कर लेते हैं, ये है ओप्पो एनको M32। 1800 रुपए के देखने को मिलते हैं, और इसके ऊपर तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। और एक्चुअली में जो ये नेक बैंड है, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। मेरे हिसाब से साउंड सिग्नेचर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और एक करेक्ट तरीके से ट्यून करे हुए है। समझाने की कोशिश करता हूँ, जो इसका बेस है बिल्कुल परफेक्ट लगा मुझे, ट्रेबल्स भी बहुत सही तरीके से मैनेज करे हुए, मिड्स भी इतने अच्छे है। मैंने इसमें वीडियो देखी, मुझे तब भी बिल्कुल अच्छा लगा। कोई भी वॉइस आती है, स्पीच आती है, सही से प्रोसेस कर लेता है कोई भी, चाहे EDM हो या कोई भी गाने आप सुनते हो, आपको सच में बहुत अच्छे लगेंगे। फाइन ट्यूनिंग में इनको बोलना चाहूंगा। पर्सनली मुझे ऐसे ही ईयरफोन्स पसंद आते हैं जिनको बहुत फाइन तरीके से ट्यून करा हो, कुछ भी हैवी ना लगे। इनफैक्ट इसकी ड्यूरेबिलिटी भी मेरे को पसंद आई। मेरे पास तो एक ग्रीन कलर में है, काफी लाइक एलिगेंट कलर लग रहा है। और इसमें भी वही फीचर है कि अगर आप ऐसे इसकी मैग्नेट को हटाओगे तो कनेक्ट हो जाएंगे, और ऐसे करोगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे फोन से। और इसमें टाइप सी पोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 है, और IP55 रेटिंग है, तो भाई ये भी स्वेट आराम से झेल जाएंगे। और ब्रांड बोलता है कि अगर आप इसको 10 मिनट के लिए चार्जिंग पे लगाओगे तो 20 घंटे का प्लेबैक मिलेगा। पर जो इसका प्लेबैक टाइम है ना ओवरऑल, वो ब्रांड जो है 28 आवर्स का क्लेम कर रहा है, थोड़ा छोटा नंबर तो है। और इन वाले नेकबैंड में भी
AAC और SBC का सपोर्ट मिलता है, और अगर आप इनको फुल चार्ज करना चाहो तो 35 मिनट में फुल चार्ज हो जाते हैं। तो भाई मेरी नंबर वन चॉइस ये है, मेरे को ये नेकबैंड काफी अच्छे लगे, चाहे वो साउंड सिग्नेचर हो या फिर फीचर्स हो। लिस्ट को खत्म करने से पहले मैं एक और चीज बताता हूँ, लास्ट ईयर ओप्पो ने ना लॉन्च करे थे ओप्पो एनको M31, मुझे यार वो सबसे बेस्ट नेकबैंड लगे थे। अगर आज भी आप उसको कहीं से खरीद सको ना, आप खरीद लो गाइस, वो बहुत फैंटास्टिक है। मैं उनको भी नंबर वन पे बोलूंगा, उनका बेस बिल्कुल ही फैंटास्टिक लेवल पे था, सब कुछ फाइन ट्यूनिंग थी। अगर वो मिलते आपको 2000 से नीचे तो भाई मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा, वरना अगर आपको बेस्ट चीज चाहिए तो ओप्पो एनको M32 भी अच्छे है, जो कि लेटेस्ट लॉन्च हुए। तो यहाँ पर लिस्ट खत्म हो जाती है। आई होप मैंने आपकी परचेज डिसीजन में किसी तरीके से हेल्प करी हो, और आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो यार, हम हैवी टेस्टिंग के बाद ऐसी रैंकिंग क्रिएट करते हैं। आप मुझे बताना अगर आप खरीदते हो कोई भी इनमें से ईयरफोन्स, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे भी फीडबैक मिलेगा, हो सकता है कि भाई मुझे खुशी भी मिले अगर आपको मैंने अच्छी चीज रिकमेंड की। तो कमेंट जरूर कर देना, लाइक भी कर सकते हो, और ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप यहां से और यहां से देख सकते हो, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बाजार में ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।